नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रावण ने औरतों की कुछ खास बातें बताई थी, कड़वी है पर सच है। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरित मानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम बानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई थी और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करे और श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रावण ने मंदोदरी से औरतों के बारे में क्या खास बातें कही थी जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे और हो जाओगे अचंभित। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और उसे लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रावण के द्वारा कही गई महिलाओं के प्रति कुछ खास बात। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठते ही देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपके ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आपको मालामाल बना देंगी। और दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के साथ पूजा करें, क्योंकि दोस्तों पत्नी का सीधा संबंध धन की लक्ष्मी से होता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप पत्नी के साथ पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं रावण ने महिलाओं के बारे में कौन सी खास बातें बताई हैं। दोस्तों, नंबर एक है अत्यधिक साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें पा उनके संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती हैं कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। जब साहस बिना समझ के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तब वो दुसाहस बन जाता है। और दोस्तों, रावण ने दूसरी बात स्त्रियों की यह बताई है, झूठ बोलना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं, ये आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। और दोस्तों, रावण ने स्त्रियों की तीसरी बात बताई है, चंचलता। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है, इसी वजह से वो किसी एक बात पर अत्यधिक समय तक नहीं टिक पाती है। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।